हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर इक्लिम्स लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास देख रहे थे अपने 9 AM की क्लास में, और इसमें हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, फिर इसके बाद हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, इन सब के बारे में देख रखा है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी आई थी और कुछ टफनेस भी आई थी। बाकी हम लोग आज अपना थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करेंगे और थोड़ी सी हम लोग आसान टॉपिक के स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक होने वाला है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के टॉपिक आज बेसिकली हम लोग देख रहे होंगे। इसके अलावा स्टार्ट करने से पहले दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस के लिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, काइंडली गो देयर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम बटन। इसमें क्या है कि आपको सारे मटेरियल नोटिफिकेशन आती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको मटेरियल डाउनलोड करना है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू आर नियर बाय टू दिस गोरखपुर, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेस टू फेस क्लासेस। आफ्टर दिस लॉकडाउन वी विल गेट बैक टू आवर फेस टू फेस क्लासेस। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल भी हैं जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी अवेलेबल है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसकी लिंक दे रखी गई है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल सेट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पॉवर्टी। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। डेफिनेशन, अब देखिए डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पॉवर्टी इज अ सोशल फिनोमिना इन विच देयर इज deprivation of basic human need। देखिए ये जब पॉवर्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो दिस इज सब्जेक्टिव, ये काफी सब्जेक्टिव है क्योंकि यहां पर लिखा गया है deprivation of basic human need। अब basic human need क्या चीज होती है, ये वेरी करती है जगह से जगह में। मतलब मान लेते हैं कि अगर इंटरनेशनल बात करें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके की बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, दीज आर बेसिक नीड्स ऑफ इंडिया। यूएस में अगर वही चले आते हैं तो वहां की बेसिक नीड्स कुछ अलग हो जा रही होती हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए यूरोपियन कंट्री में जा रहे होते हैं तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो बेसिक नीड्स है उनके ही अगर डिप्राइव है, उसकी ही अगर कमी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक पॉवर्टी का शिकार हो गई है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट बनाया जाए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, तो पॉवर्टी की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि पॉवर्टी इज अ सोशल और इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। एक्सक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो भी आप बोलना चाहें। तो अगर एक्सक्लूजन हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, मतलब कि अगर वो बंदा इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं है, ही इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बंदा पुअर है। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा पुअर है, सीधी सी बात है वो अभी फिलहाल अपनी बेसिक नीड्स को, जो भी उसकी जरूरत की चीज है उसी को पूरा करने में लगा हुआ है, तो वो किसी भी तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में, बैंकिंग वगैरह में अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी तो बेसिक नीड ही कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो इन केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आप केवल और केवल मतलब ये चीज आप ज्यादा फोकस करिए, दिस विल फेच यू मोर मार्क्स। आगे अगर बात करते हैं तो दीज आर द कॉजेज ऑफ, या फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ पॉवर्टी। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखिए जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर में ये हो जाती है कि अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है हमारे पॉवर्टी के लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन, ये भी हमारे पॉवर्टी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अगर मान लेते हैं अभी कोरोना COVID-19 का ही केस है, इसमें क्या हुआ है कि जो हायर क्लास के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जो भी पुअर क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इन्हीं को ज्यादा फोकस भी कर रही है क्योंकि सबको पता है कि पुअर इज गोइंग टू बी वेरी वल्नरेबल इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन। तो इस वजह से क्या है कि हम लोग पुअर, जो भी इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है वो भी पुअर के कारण में, पुअर को ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी डिस्कस की गई है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जनरली कम है, और जितने भी पुअर या फिर मार्जिनल जो लोग हैं वो बेसिकली फार्मर कैटेगरी में या फिर कह लीजिए एग्रीकल्चरल बेस्ड इनकम में ही आ रहे होते हैं। इसके अलावा देखिए काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एंड हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण से एक तो इनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है, दूसरा इनको वेज नहीं मिल पाता है। तो जब भी इनफॉर्मल एक्टिविटी में रहेंगे तो आप सीधी सी बात है इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण से आपकी जो वेज, जो मिनिमम वेज होगी वो भी कहीं ना कहीं कम कर दी जाएगी।
इसके अलावा लो लेवल ऑफ इनकम ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, पॉवर्टी का एक कारण बन जाता है, स्किल ना होना ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हो जाती है जो हमारी इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉजेज हो जाते हैं। अगर गवर्नेंस रिलेटेड कुछ चीजों को देखा जाए तो देखिए जैसे करप्शन में क्या होती है, 100 रुपीज अगर मान लीजिए कि रिलीज किया गया तो वो केवल और केवल 17 पैसे ही हाथ में आ रहे होते हैं, तो ये एक करप्शन का केस हो जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जब भी लेयरिंग स्टार्ट होगी जितना ज्यादा लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर पैसे की इस तरह से कटौती देखने को मिलेगी। लैक ऑफ रीच ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो हम लोगों के पास बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, अगर उसमें हम नहीं लॉन्च करते हैं या उसमें अगर मान लीजिए कि उतने बेनिफिट्स नहीं देते हैं तो ऑब्वियसली पॉवर्टी जो होगी वो काफी ज्यादा बढ़ते ही जाएगी। जैसे मान लेते हैं पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक तरीके की पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ही है क्योंकि इसमें आप जो फूड इसेंशियल्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो भी पुअर्स होते हैं। इस पीडीएस के अलावा एक और अंत्योदय योजना भी होती है, ये भी अगेन सेम फूड के लिए ही होती है। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये भी जो है वो पॉवर्टी के लिए ही है और ये भी फूड इसेंशियली प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई जा रही होती है। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पॉवर्टी जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मेथड क्या है, अगर वो मेथड ही गलत है तो सीधी सी बात है आपका जो आइडेंटिफिकेशन है मतलब जो आपका नजरिया है कैलकुलेट करने का तरीका और लोगों को छांटना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल संस्था ये अपना खुद का कुछ पैरामीटर देंगी, अपना खुद का कुछ मेथड देंगी, बताएंगी कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे दे रहा है और जरूरी नहीं है कि इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काम करे। तो इंडिया में अपना कुछ अलग मेथड बना के रखेंगे, तो अपना जो अलग मेथड बना के रखेंगे एक तरीका हो सकता है जहां पर आप डेटा की फजिंग कर रहे हो, डेटा आप जो होता है छिपा रहे हो, डेटा की फजिंग कर रहे हो, इससे क्या है कि जो एक्चुअल पुअर पीपल है वो सामने नहीं निकल के आ पाएगा। दूसरा तरीका है जहां पर आप सही तरीके से कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ओवर एस्टिमेट करने से क्या होगा कि बहुत सारे गरीब वो तो ठीक है लेकिन जो थोड़े से मार्जिनल भी हैं वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एक तरीके से देखिए फजिंग से ज्यादा बेटर है लेकिन अगेन यहां पर भी पॉवर्टी को कंसंट्रेट नहीं किया जा पाया, क्योंकि अगर मान लेते हैं 10 लोग केवल और केवल अगर पुअर होते तो इनको देख पाना, इनको एलिवेशन प्रोग्राम वगैरह लेकर के आ पाना वो ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू 15 पुअर पीपल। तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइडेंटिफिकेशन मेथड हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगातार नई नई कमिटीज वगैरह बनाती गई हैं। हम लोग सारी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अलग कमेटी हो गई, लकड़ा वाला कमेटी हो गई, नंबर ऑफ कमिटीज आर देयर जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा देखिए इलिटरेसी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से भी पॉवर्टी काफी ज्यादा होती है। अब देखिए इलिटरेसी रहेगी तो ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट कभी हो नहीं पाएगा, तो इलिटरेसी इज गोइंग टू लीड लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ सोशल स्टिग्मास भी है, सोशल प्रॉब्लम्स भी है जिसके कारण से भी पॉवर्टी होती है। जैसे एक हो गया कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी है वो कास्ट स्टिग्मा में काफी ज्यादा लिप्त है, काफी ज्यादा बॉन्डेड है, जिसके कारण से कुछ लोगों में एम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरी वाइज में ही सीमित रह जाता है, जिसके कारण से काफी ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी देखने को मिल पा रही होती है। इसके अलावा हमें कुछ बॉन्डेड लेबर की भी प्रॉब्लम वगैरह सामने आए हैं, बेगरी वगैरह के बारे में सामने आए हैं, जो भी अगेन सोशल प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो यहाँ पर लिखी नहीं गई है, जो आप लोग लिख लीजिए, दिस इज द माइग्रेशन प्रॉब्लम। तो माइग्रेशन के कारण से भी काफी कुछ पॉवर्टी का रीजन देखने को मिलता है। जैसे क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा धारावी का नाम आप लोगों ने इस समय बहुत ज्यादा सुना होगा। धारावी इज अ स्लम विच इज इन मुंबई। अब यहाँ पर क्या है, जो भी लोग मान लीजिए मुंबई में आते हैं तो एक हाउसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इस हाउसिंग से बचने के लिए सारे के सारे धारावी में ही जाकर के वहां रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली अफोर्डेबल एरिया। तो धारावी में जाकर के रहना शुरू होते हैं, गली मोहल्ले और काफी स्लम्स वगैरह यहाँ पर है, तो स्लमिंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये मुंबई क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन काफी ज्यादा है। सिमिलरली देखिए दिल्ली में भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्लम्स वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। वाई,
क्योंकि ये भी इलाका माइग्रेटरी इलाका है, तो यहां पर भी माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो दोज सिटीज या कह सकते हैं कि दोज मेट्रोपॉलिटन सिटीज विच आर वेरी मच अट्रैक्टेड फॉर माइग्रेशन, दे विल लीड इन पॉवर्टी। तो उनके पास पॉवर्टी के लिए एक बहुत अच्छा एक सोर्स होता है कि पॉवर्टी काफी ज्यादा वहां पर देखने को हमें मिल जा रही होती है। चलिए खैर, तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी की बेसिक्स के बारे में। अब हम लोग जरा आते हैं डिमेंशंस ऑफ पॉवर्टी के बारे में कि आखिर में पॉवर्टी के डिमेंशंस क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टर्म्स देखने वाले हैं। तो देखिए, पॉवर्टी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, दूसरी हो सकती है जो हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी जिसको बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात करें तो इट इज डिफाइंड एज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड। यहां पर होता क्या है, थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब यह है कि दिस इज द रियल पुअर पीपल, तो उनको आप लोग बोल देंगे कि ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। इसके अलावा थोड़ा सा आप ये रिलेटिव पॉवर्टी कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इट इज डिफाइंड एज कंडीशन इन विच पीपल टेक मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी विच दे लिव। तो यहां पर जरा देखिए केस क्या है। मान लेते हैं पहले हम लोग यूएसए का केस ले लेते हैं। यूएसए के केस में क्या होता है कि यहां पर क्लासेस भी हैं अगेन, तो हायर क्लास है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास होगा और फिर उसके बाद से लोअर क्लास होगा। अब यहां पर हायर क्लास और लोअर क्लास ये ज्यादा है, मिडिल क्लास बहुत कम होता है इन यूएस। तो अब यहां पर क्या होगा कि एक हायर क्लास और लोअर क्लास इन दोनों के हिसाब से अपना एक पॉवर्टी का एक लाइन बन जाएगा। इस पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे एक लाइन डिसाइड करने के ऊपर जो लोग भी हायर होंगे उनको हम लोग बोल देंगे कि दे आर हायर क्लास, या हम लोग बोल देंगे इनको ये APL है, अबव पॉवर्टी लाइन है। लेकिन जो इसके नीचे चला गया वो चला जाएगा पुअर कैटेगरी में और इसको बोलेंगे हम लोग BPL, या इसको बोल सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन ये जो लाइन डिसाइड की गई है, हो सकता है कि ये लाइन हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा हायर क्लास के लिए हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द नेशन, या फिर बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है। सेम वही यहाँ पर डेफिनेशन में भी डिस्कस की गई है जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगर इंडिया के केस में बात करते हैं तो इंडिया के केस में देखिए यहां पर भी क्या है हायर क्लास, यहां पर भी क्या है लो मिडिल क्लास, और यहां पर भी लोअर क्लास। लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास काफी ज्यादा है, हायर क्लास काफी कम है और फिर लोअर क्लास आ जाता है। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ही ऑब्वियसली यहां पर एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाएगी और उसके ऊपर में हमारे कुछ हायर क्लास के लोग आ जाएंगे, मिडिल क्लास के लोग आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे जो हमारे पुअर पीपल है इनकी ये। लेकिन यहां पर भी हमारी जो पुअर होती है वो दो कैटेगरी की होती है। हम लोगों ने दो कैटेगराइजेशन बना करके रखा हुआ है। एक होता है जिसको बोलते हैं BPL कि यहां पर हाँ दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन एक होते हैं जो अंत्योदय कैटेगरी होते हैं। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, अंत्योदय का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ पुअर, पुअरेस्ट ऑफ पुअर। यहां पर क्या होता है जो गरीबों में भी गरीब होता है, मतलब इन बीपीएल से भी काफी ज्यादा ये गरीब है, मतलब कि अपने बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि अंत्योदय। लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम जो कुछ भी हम लोगों ने देखा ये सारा का सारा रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये पॉवर्टी लाइन बदलती रहती है और पॉवर्टी लाइन के बदलने के कारण से इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ये भी लगातार चेंज होते जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अगर हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट के टर्म में तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जनरली लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिल रही होती है। हालांकि कैलकुलेट करने के लिए तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बट जनरली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि देखिए यहां पर हायर क्लास जनरली नहीं होता है, यहां पर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, लोअर क्लास ही सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर जो गैप होता है, गैप मतलब कि जो हायर और मिडिल क्लास, हायर और मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी इनफैक्ट यहां पर कुछ खास नहीं होता है, और लोअर क्लास, इन दोनों के बीच में एक वाइड गैप आ जाती है, एक वाइड गैप आ जाती है। तो यहां पर आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि दिस इज द पुअर पीपल एंड दिस इज द हायर पीपल। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में जब गैप ज्यादा होता है, जहां पर वॉल्यूम लोअर क्लास का ज्यादा होता है, तो इस तरीके से यहां पर कैलकुलेट की जाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां पर जनता बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके के कैलकुलेशन को करने के लिए भी अकेन अपने कुछ मेथड्स होते हैं,
और उन मेथड्स के सहारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अपने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैलकुलेट कर रही होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैलकुलेट करने का सीधा सा मतलब यही होता है, या सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं, यही होता है कि वर्ल्ड लेवल पर एक इनकी जो पहचान है, वर्ल्ड लेवल पर जो इनकी कंडीशन है वो सामने निकल के आए, ताकि इस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा फोकस मिले, ज्यादा से ज्यादा फंड मिले, ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्रीज इनकी जगह पर आकर के मार्केट लगाएं, एफडीआई लगाएं, ताकि इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सके। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। यहां पर हम लोगों ने डिमेंशंस के बारे में बात किया। आगे अगर देखा जाए तो देखिए पॉवर्टी लाइन मैंने आप लोग को बता ही दिया कि दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन जिसके ऊपर हम लोग एबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, मतलब वो वेल्दी लोग हैं, और उसके नीचे बीपीएल लोग होते हैं जो कि पुअर लोग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इट इज द लेवल ऑफ इनकम बिलो विच वन कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज ऑल रिसोर्स वन रिक्वायर्स टू लिव। तो यही चीज है कि आपकी क्या कंडीशन है। नेक्स्ट होता है हेड काउंट रेशियो। व्हाट इज दिस हेड काउंट रेशियो? जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो एपीएल की कैटेगरी है मान लेते हैं वो टोटल जो है वो 40 है, और बीपीएल की कैटेगरी में टोटल जो कैटेगरी है वो मान लेते हैं 60 है। तो हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीपीएल टू टोटल पॉपुलेशन। यानी यहां पर हेड काउंट रेशियो क्या हो जाएगा? हेड काउंट रेशियो हो जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है? 60 है, और उसके बाद से कितनी टोटल पॉपुलेशन है? 100 है। तो यानी कितना हो गया हेड काउंट? 60%। यानी कि हेड काउंट रेशियो इज द काउंट, या फिर कह सकते हैं नंबर, जो बीपीएल की संख्या को हमें बता रहा होता है कि कितना ये बीपीएल हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में या इकोनॉमिक्स में या हमारे इकोनॉमिक एरिया में लाई कर रहे हैं। तो दिस इज द इकोनॉमिक, मतलब हेड काउंट रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा पॉवर्टी गैप। अभी पॉवर्टी गैप का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मीन इनकम एबव अमंग द पुअर एंड पॉवर्टी लाइन। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉवर्टी लाइन जो होती है वो 300 रुपए पर निर्धारित की गई है, सपोज 300 रुपए एनुअल बेसिस पे निर्धारित की गई है। अब यहां पर हमारे 60 लोग ऐसे हैं जो इसके नीचे हैं। 60 लोगों में ऑब्वियसली कई लोग होंगे जिनकी इनकम लेवल 300 से तो कम ही होगी, लेकिन 280 टाइप की होगी। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम लेवल मान लेते हैं कि 10 लोग हैं जिनकी इनकम लेवल 280 है, मान लेते हैं कि 30 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम लेवल 200 है, मान लेते हैं कि अब 20 पीपल ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो 100 रुपए है। अब इनका हमें एक मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद, मीन या एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज निकालने के बाद फिर देखा जाएगा। एवरेज निकालने अगर तो देखिए 280 × 10 प्लस 30 × 200 प्लस 20 × 100, ठीक है, तो ये टोटल डिवाइडेड बाय 60। तो इस तरीके से हमको एक एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? तो जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी तो निकल के आ रही है नियर अबाउट 180 इसकी। तो यहां पर जो इन दोनों के बीच में गैप है, गैप का मतलब कितना हो गया? नियर अबाउट 120 रुपीज। और इसी गैप को बोला जाता है हमारा पॉवर्टी गैप, कि दिस इज द गैप। समझ में आ गया क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी के बारे में। नाउ लेट अस कम टू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी। कैलकुलेशन कैसे की जा रही होती है पॉवर्टी की? तो कैलकुलेशन के लिए देखिए शुरू में प्लानिंग कमीशन आई थी। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही किया हुआ है। प्लानिंग कमीशन, इस प्लानिंग कमीशन ने शुरू में बोला कि यार ऐसा क्या मेथड हम लोग अपनाएं जिससे हम लोग पॉवर्टी को देख सके, पॉवर्टी को कैलकुलेट कर सके। तो उसमें अलग अलग कमिटीज के द्वारा बनाया गया। जैसे सबसे पहले कमिटी जो आई थी वो आई थी हमारी अलग कमेटी ने बताया कि देखो ऐसा है कि आप देख सकते हैं हेल्थ वगैरह के बेसिस पे, बेसिकली क्या है कि कितना फूड इनटेक है उसके माध्यम से देख सकते हैं। फूड इनटेक के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि क्या पॉवर्टी का स्टेटस है। इसमें बोला गया कि 21 कैलोरी जो होती है वो अर्बन एरिया के लिए, और जो गांव वाले लोग हैं ज्यादा मेहनत करते हैं तो 2400 कैलोरी होनी चाहिए इनके लिए। इस फूड के लिए जितना भी इनको एक्सपेंडिचर करना पड़ा, या कह लीजिए इसको अरेंजमेंट करने में जो कुछ भी करना पड़ रहा है, वो डिसाइड किया गया हमारे अलग कमेटी के द्वारा कि दैट विल बी द पॉवर्टी लाइन। तो इस तरीके से इन लोगों ने, अलग कमेटी ने इस तरीके से चीजों को बताया। इसके बाद में कमेटी आती है हमारी लकड़ा वाला कमेटी, सॉरी अलग कमेटी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि इट इज द फर्स्ट टू कम विद एन ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक। तो कैलोरी इनटेक के बेसिस पे इन्होंने अपनी लाइन निकाली थी, 2100 कैलोरी फॉर अर्बन एरिया और 2400 कैलोरी इन
रूरल एरिया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया। इसके बाद हालांकि टेंडुलकर कमेटी के बारे में बताया गया है, बट इसके बाद से कमेटी आई थी हमारी लकड़ा वाला कमेटी। इस लकड़ा वाला कमेटी ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हुई थी। नाम भी याद रखना है, देखिए बेसिकली आपको नाम ही याद रखना है, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ी सी रिकमेंडेशंस भी आप याद रखिएगा। इससे आपको एक क्लैरिटी आएगी और विद द टाइम जो भी डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि क्या डेवलपमेंट चल रही है। जैसे लकड़ा वाला कमेटी के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने भी बोला कि देखो ऐसा है कि अर्बन के लिए आप 2100 जो कैलोरी लेकर के चल रहे हैं करेक्ट वन, रूरल के लिए भी जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो 2400 कैलोरी, ये भी करेक्ट वन, कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि यहाँ पर हमें बेसिकली एक्सपेंडिचर बेसिस देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर कैसे कौन क्या कर रहा है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इन दोनों लोगों के, मतलब कि रूरल और अर्बन दोनों लोगों का हमें कंजम्पशन लेवल देखना पड़ेगा। इस कंजम्पशन लेवल को देखने के लिए बेस्ट वे है दोनों लोगों के कंपेयर करने के लिए, रूरल और अर्बन दोनों लोगों को कंपेयर करने के लिए बेस्ट वे है CPI को देखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखना। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए इन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप CPI रूरल, CPI अर्बन दोनों निकालिए। तो CPI अर्बन निकाल लिया गया और इसके बेसिस पे अर्बन पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर लिया गया, अर्बन पॉवर्टी लाइन। और CPI रूरल निकालने के लिए उन्होंने कहा कि एक काम करिए, CPI एग्रीकल्चरल वर्क और CPI नॉन एग्रीकल्चर, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या आने वाली है। तो दिस शुड बी द मेथड, ये एक मेथड होना चाहिए जिसको हम लोगों को एक फेवर करना चाहिए, इसको हम लोगों को आगे फॉलो करना चाहिए। तो ये बोला गया था हमारे लकड़ा वाला कमेटी के द्वारा, जो बेसिकली कंजम्पशन लेवल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ये लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। इसके बाद हमारी दूसरी कमेटी, नेक्स्ट कमेटी 2004-05 में लॉन्च कर दी जाती है, इसका नाम रहता है डॉक्टर सुरेश तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी में भी ज्यादा कुछ देखिए डिफरेंस नहीं किया गया, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए द कमेटी हेडेड बाय सुरेश तेंदुलकर, इंडिया करेंटली फॉलो दिस मेथड, अभी फिलहाल में यही मेथड फॉलो भी हम लोग करते हैं। ही चेंज्ड कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन टू एक्सपेंडिचर बेस्ड, इन्होंने क्या है कि जो भी कैलोरी यहां पर इन्होंने बोला है 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये काम नहीं, हमें एक्सपेंडिचर बेस्ड पे जाना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन बास्केट विच इज बास्केट ऑफ ऑल गुड सेलेक्टेड टू डिटरमाइन पॉवर्टी। अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं जरा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर में क्या चीज है। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बेसिक चीजें जैसे फूड हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जो भी ये इनटेक ले रहे हैं, एनर्जी इनटेक ले रहे हैं, तो फूड के बारे में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वी नीड टू टेक हेल्थ भी, हेल्थ की कंडीशन को भी हमें देखना पड़ेगा और एजुकेशन भी देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि देखो फूड जो है वो फूड मतलब एक तो होता है जहां पर आप खाली और खाली पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा होता है जो आप न्यूट्रिशन बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। इन्होंने न्यूट्रिशन को बोला कि वी नीड टू फोकस न्यूट्रिशन, और इसके लिए 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी वाली जो बात थी वो ठीक है, वो काम कर गई। इन्होंने कहा कि देखिए दीज आर द बेसिक एसेंशियल्स बट अदर एसेंशियल्स आर हेल्थ एंड एजुकेशन। हमें करना क्या होगा, वेन एवर वी आर काउंटिंग द डेटा या जो भी हम डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें हेल्थ और एजुकेशन के लिए हमें 360 डेज का जो एक साल का डेटा है, हमें बेसिकली उसका डेटा लेना पड़ेगा, 360 डेज का डेटा लेना पड़ेगा, 365 एक्चुअली। और जो हमारा न्यूट्रिशन का डेटा है ये हमें 30 डे का डेटा लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि दिस इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग और ये लगातार चेंज भी करती जाएगी, लेकिन ये उतनी ज्यादा इसेंशियल नहीं है अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, और हमें इसका 1 ईयर का डेटा लेना पड़ेगा। तो अभी तक जो भी यूनिफॉर्म टाइम पीरियड चलती थी, यूनिफॉर्म रेट चल रही होती थी, अब वो चेंज होकर के मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में चला गया, मिक्स रेफरेंस पीरियड। अब यहां पर 365 डेज और 30 डेज अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होना शुरू हो गया। इसके अलावा इन्होंने बोला कि देखिए अर्बन और रूरल दोनों की कंडीशन अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दैट इज वाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक अ बास्केट और पॉवर्टी लाइन बास्केट, उसके जरिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और इस जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है उसमें इस न्यूट्रिशन वाली चीजों को रखा गया कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, विच इज द बास्केट ऑफ ऑल गुड सेलेक्टेड टू डिटरमाइन पॉवर्टी। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके इसके अलावा कंजम्पशन क्वांटिटी फिक्स्ड सेम फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, बट
प्राइस डिफर्स, इन दोनों के लिए जो भी हम लोगों ने प्राइस लाइन बास्केट जब रखा तो दोनों के लिए जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी रखी गई सेम, कि दोनों में क्या क्या सेम है। हालांकि दोनों के प्राइजेस अलग अलग होते हैं, तो प्राइजेस के हिसाब से दोनों की कंडीशन को बदल दिया गया। तो इस तरीके से प्राइजेस बदल दिए गए। डेली पर कैपिटा इनकम जो रूरल के लिए निकल के आई वो 27 निकल के आ रही है, अर्बन के लिए निकल के आई वो 33 निकल करके आई। तो इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया पॉवर्टी लाइन के बेसिस का डेटा। इनकी कमेटी का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया गया था जब ये शुरू शुरू में निकाल के लेके आए थे, क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? क्योंकि इन्होंने जब अपने इस मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे, एमआरपी इनके बेसिस पे जब इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन किया, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन करने के दौरान में देखा कि जो रूरल एरिया है उस रूरल एरिया में नियर अबाउट 28% लोग पुअर हैं, और जो हमारा अर्बन एरिया है उस अर्बन एरिया में नियर अबाउट 25% लोग केवल और केवल पुअर हैं। तो जब इन्होंने ये एस्टिमेशन, जब ये डेटा पब्लिक में रखा, जब ये रिजल्ट पब्लिक में रखा, तो पब्लिक ने बोला कि यार आपकी कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो बड़ा फालतू है। आप जो है जो रूरल एरिया है वहां पे ज्यादा गरीब होने चाहिए, वहां पर आप बोल रहे 28% लोग ही केवल गरीब है, और ये जबकि होना चाहिए 12-13% पे। अर्बन एरिया में जो आप बोल रहे हैं चलिए ठीक है, वो तो फिर भी एक थोड़ा सा मतलब डाइजेस्टिव है, बट अदरवाइज ये जो हमारी रूरल की डेटा है ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो हालांकि बाद में इन्होंने चेंजेस वगैरह किए अपने कमेटी में, कई सारे डेटा वगैरह में चेंजेस किया गया, बट स्टिल जो है यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस थी वो रिकमेंडेशंस वर बेस्ड ऑन दिस एमआरपी या फिर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, यहाँ पर फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए रखा गया 30 डेज का डेटा और बाकी चीजों के लिए रखा गया 1 ईयर का डेटा। और इस तरीके से इन्होंने एक्सपेंडिचर बेसिस पे, डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेसिस पे इन्होंने इस तरह की कंडीशन, इस तरह की पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया। थोड़ा सा क्लैरिटी आया कि तेंदुलकर कमेटी और अलग कमेटी में क्या डिफरेंस आया। ओके, इसके बाद से हमारी नेक्स्ट कमेटी जो आती है, वो नेक्स्ट कमेटी आती है हमारी रंगराजन कमेटी। देखिए यहां पर भी कुछ खास इन्होंने चेंजेस वगैरह नहीं किए, यहां पर इन्होंने वही फूड या न्यूट्रिशन के बारे में बात किया जो तेंदुलकर ने किया हुआ है, इन्होंने वही हेल्थ के बारे में बात किया जो तेंदुलकर ने किया हुआ है, और इन्होंने वही एजुकेशन के बारे में बात किया जो तेंदुलकर कमेटी ने किया था। इन्होंने भी इसके लिए मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड रखा और इन्होंने भी वही 365 डेटा ही रखा, 1 ईयर का डेटा रखा। यहां पर इन्होंने भी इसको 30 डे का ही डेटा रखा। चेंजेस इन्होंने क्या किए, जो रंगराजन कमेटी की चेंजेस देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि अभी तक चाहे वो तेंदुलकर कमेटी हम लोग देख रहे हो, चाहे हम लोग अलग कमेटी देख रहे हो, चाहे हम लोग लकड़ा वाला कमेटी देख रहे हो, कोई भी हम लोग कमेटी देख रहे हो, इन सब ने पर कैपिटा के बारे में बात किया था। इन्होंने बात किया पर कैपिटा, लेकिन हमारे जो रंगराजन साहब थे इन्होंने बात किया पर कैपिटा नहीं, पर फैमिली के बारे में बात किया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जब भी हम लोग पर कैपिटा अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर पर फैमिली में देखेंगे तो पर फैमिली में एटलीस्ट कम से कम 2-3 मेंबर ऐसे जरूर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट होती है। तो जब आप पर फैमिली जब आप निकालेंगे तब आपको एक रियल डेटा, रियल पॉवर्टी एस्टिमेट पता चलेगा, क्योंकि अब आपको पता चल पाएगा कि कमाने वाला कौन है, खाने वाला कौन है। तो इस तरीके से इन्होंने फैमिली बेसिस पे किया। ओके, यहां पर फैमिली की संख्या कितनी है, इन्होंने फैमिली की संख्या ली थी 5 पीपल इन ए फैमिली, तो 5 लोगों को एस्टिमेट करके इन्होंने फैमिली में तब जाकर के अपना ये एस्टिमेशन किया, तब जाकर के पूरी अपनी रिकमेंडेशन वगैरह निकाली। क्लियर हुआ क्या चीज है? अब देखिए, ही अडॉप्टेड कैलोरी बेस्ड अप्रोच विच वॉज यूज इन पास, जो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही किया गया। मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर पर्सन और पर हाउस होल्ड एज ए टूल, तो इन्होंने पर हाउस होल्ड या फिर पर फैमिली बोल सकते हैं इसको लिया। डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल जो निकल के आए वो 43 रुपीज और पर कैपिटा फॉर अर्बन जो निकल के आई वो 47 रुपीज। तो कुछ खास अंतर नहीं था, क्योंकि जब भी इन्होंने क्या किया था कि फैमिली के हिसाब से इन्होंने एक एग्रीगेट अमाउंट दे दिया था कि 300 रुपए, 700 रुपए, इस तरीके से इन्होंने एग्रीगेट अमाउंट दे दिया था। तो जब भी डिवाइड करते थे, मतलब पर कैपिटा जब आपको निकालना होगा तो यू विल डिवाइड इट बाई 5, तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो पूरी की पूरी जो वैल्यू आ रही थी वो पूरी तेंदुलकर वाली वैल्यू आ जा रही थी। इसलिए हम लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और हम लोगों ने तेंदुलकर कमेटी के ही जो रिकमेंडेशंस थी उसी से ही आज भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इससे इन्होंने जो ओवरऑल पॉवर्टी का डेटा निकाला वो निकाला कि 29.5% जो है वो डेटा मतलब पुअर है, और जिसमें से रूरल में लोग 30.9% पुअर है और अर्बन में 26.4% पुअर है।
तो इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन की थी हमारे रंगराजन कमेटी की। ठीक है, रंगराजन कमेटी या अलग कमेटी, लकड़ा वाला कमेटी, कभी इनकी रिकमेंडेशंस आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी कमेटी की रिकमेंडेशंस है। तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल कमेटी का नाम याद रखना है कि कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई है, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी तो हम लोगों ने काफी कुछ तो डेवलप ही मतलब डिस्कस ही कर लिया। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट एसईसीसी कमेटी, जो कि सक्सेशना कमेटी थी। इस सक्सेशना कमेटी में बेसिकली क्या है कि डिसाइड किया गया कि कैसे हमें पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे पॉपुलेशन को इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। टू एस्टिमेट द बीपीएल पॉपुलेशन एसईसीसी फॉलोड अ थ्री स्टेप प्रोसेस, जहां पे ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो रहा हो, ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो रहा हो, नीदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड और ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, यहां पर ये सरकार खुद कर रही होती है। तो ये बेसिकली क्या है, बीपीएल का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से रिलेटेड बातें हो रही हैं यहां पर। आफ्टर अप्लाइंग दिस मेथडोलॉजी इट वॉज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन वॉज 30.95% इन रूरल एरिया एंड 26.4% इन अर्बन एरिया, विच वॉज वेरी मच सिमिलर टू जो भी पुरानी कमेटी रंगराजन कमेटी थी उन्हीं के द्वारा। इन्होंने भी जो कंपोनेंट्स लिए वो उन्होंने कंपोनेंट फूड और नॉन फूड कंपोनेंट लिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। फूड कंपोनेंट में जैसे जो भी न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, न्यूट्रिशनल फूड्स हैं, उनके बारे में बात किया गया, और जो नॉन फूड है उसमें जैसे एजुकेशन हो गया, क्लोथिंग्स हो गई, कन्वीनियंस हो गया, रेंट हो गया, बिहेवियर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, तो ये सारी चीजों के बारे में बात किया जो कि नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो आपको ये पूरी कमिटीज थी जिसके बारे में पढ़ना था। इसके अलावा एक और छोटी सी कमिटी के बारे में है, ओके छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए, दिस इज मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट केस में इसी के थ्रू हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, और हमारी रैंकिंग हालांकि अभी पुअर है। जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या है, इट मींस दैट पॉवर्टी इज नॉट डिफाइंड नॉट सिंपली बाय इनकम बट बाय अ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग पुअर हेल्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस। एक्चुअली व्हाट इट इज, जैसे ये जो है वो इंटरनेशनल टर्म है, दिस इज इंटरनेशनल टर्म। हम लोग अभी तक देखिए पॉवर्टी के एस्टिमेट्स को दिखाना ये कंट्री के लिए कोई गर्व की बात नहीं होती है, तो हमेशा इसमें डेटा फजिंग की जाती है, मेथड में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि जिससे पॉवर्टी ज्यादा ना सामने आए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि ये यूएनडीपी एक इंटरनेशनल संस्था है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाली जाती है, और ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कई सारी चीजों पे बेस्ड होती है। यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनके मतलब हेल्प से ये पूरा का पूरा इंडेक्स निकाल रही होती है। ये हमारे वो डिमेंशंस है जिसके बेसिस पे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाली जाती है। जैसे इसमें होता है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हमारे अभी तक क्या चल रही थी, लिविंग स्टैंडर्ड में चल रही थी जो हमारी फूड इनटेक हो रही थी, लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन हो गई और चाइल्ड मोर्टैलिटी हो गई। हमें देखना पड़ेगा कि चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट कितना है। एजुकेशन में हमें देखना पड़ेगा ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है और स्कूल अटेंडेंस कितनी है। स्टैंडर्ड बाकी कुछ और भी चीजें हैं जैसे कुकिंग फ्यूल हो गया, इंप्रूव्ड सैनिटेशन हो गई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, असेट ओनरशिप। हमें इन सारे के सारे डेटा के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कितना आ रहा है, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट कि हमारे यहाँ पे कितनी पॉवर्टी है। अगर एक थोड़ा सा पॉवर्टी का डेटा अगर देखे, एक थोड़ा सा रिव्यू देखा जाए, तो दिस इज द बेसिक फाइंडिंग्स। यहाँ पर इंडिया बोला गया कि इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2006 टू 2016। तो 2006 से 2016 के बीच में नियर अबाउट 271 मिलियन पीपल को हम लोग ऊपर उठा दिया, मतलब एपीएल में चले गए हैं। रिकॉर्डिंग द फास्टेस्ट रिडक्शन इन द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यूज ड्यूरिंग द पीरियड विद स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन एरिया सच एज असेट्स, कुकिंग फूल, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। और इसके लिए हम लोग की जिम्मेदार है हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबल एलिवेशन प्रोग्राम्स हम लोगों ने बहुत सारे जैसे निकाल के रखे हैं, जैसे एलपीजी के लिए हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, सब्सिडी दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग काफी काफी कुछ स्कीम्स निकाल के रखे हुए हैं, फूड के लिए हम लोगों ने स्कीम्स निकाल के रखे हुए हैं, पीडीएस हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गई, मिड डे मील वगैरह हो गया, सैनिटेशन के लिए हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान वगैरह चलाया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स आर देयर जिसके थ्रू हम लोग पॉवर्टी को कैलकुलेट भी कर रहे होते हैं और पॉवर्टी को रिड्यूस भी कर रहे होते हैं। अमंग टॉप 10 सेलेक्टेड कंट्रीज इन टॉप 10 सेलेक्टेड कंट्रीज, इंडिया एंड कंबोडिया रिड्यूस देयर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी वैल्यूज फॉर फास्टेस्ट एंड दे डिड
पुअरेस्ट ग्रुप बिहाइंड, तो इस तरीके से ये फाइंडिंग आ जाती है। विद इन इंडिया अगर बात करते हैं तो झारखंड हैज रिड्यूस्ड द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एट अ फास्टर पेस देन अदर रीजन। तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा नीचे होगा उसको ऊपर आने में भी उतना ही आसानी हो जाएगी, फटाफट आ जाएगा। इंडिया अलॉन्ग विद इथियोपिया एंड पेरू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डिप्रिवेशन इन ऑल 10 इंडिकेटर्स नेमली। अब जैसे देखिए, यहां पर हम लोगों ने जो भी ये इंडिकेटर्स देखे हैं वो हमारे 10 इंडिकेटर्स आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंडिकेटर्स हैं। ये 10 इंडिकेटर आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की काफी ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो दीज आर द 10 इंडिकेटर्स, याद रखिएगा। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिड्यूस फ्रॉम 640 मिलियन पीपल, जो कि 55.1% है, जो 2005-2006 में पाया गया था, वो 27.9% पे रिड्यूस हो गया है 2015-16 में। मतलब कि ये नियर अबाउट हाफ हो गई है हमारे इस 10 साल के पीरियड में। तो हमें ये वैल्यू याद नहीं रखने की जरूरत है, हमें बस ये याद रखना पड़ेगा कि 2005-6 के दौरान में जो भी पॉवर्टी पाई जाती थी वो अब आधी हो गई है आफ्टर दिस 2016, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी फाइंडिंग के बारे में। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, देखिए इसके बाद से मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए, इनफैक्ट पॉवर्टी के लिए फिलहाल में पॉवर्टी कैलकुलेशन के लिए हम लोग कई सारी नई फाइंडिंग्स आई हैं। जैसे डीम जीन ड्रीज का आप जो है एक पढ़ सकते हैं, आर्टिकल है तो वो पढ़ सकते हैं कि ये पॉवर्टी कैलकुलेशन के लिए इन्होंने भी बताया है कि नई क्या टेक्निक यूज की जा सकती है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा SR हाशिम कमेटी भी फिलहाल में अपॉइंट की गई है ताकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिली इन अर्बन एरियाज किया जा सके, क्योंकि हमें पता है कि वी आर इवॉल्विंग विद द टाइम, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती जा रही है और हम लोग फॉलो करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी के लिए हमें करना यही होगा कि हमें फटाफट हमें इस चीज को लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी कंडीशन अभी भी रिडंडेंट हो जाएगी। तो रिडंडेंट ना होने के लिए हमें लगातार उसको चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे कि एक सही पॉवर्टी का डेटा सामने आ पाए। बाकी इसके बाद देखिए, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया है, तो दिस इज एक्सक्लूजन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नंबर ऑफ चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर और ये काफी आसान सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। हम लोग बात करते हैं अपने 2 बजे वाले वीडियो में करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए फिर, अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम की लिंक नीचे दे रखी गई है, ज्वाइन करिए, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वहां पे। मिलते हैं अपने 2 बजे के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।